नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मेडिसिन परफॉर्मेंस एकेडमी पे। दोस्तों आज हम फिर आपके सामने पहले अपने सेम कोर्स के साथ, और कोर्स हमारा बेसिक इस पे जनरल साइंस के कैप्सूल पे, जिसका हम 25वां भाग आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 1 से लेकर 24 भाग तक के वीडियोज ऑलरेडी आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। ये सारे ही क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर अब तक आपने 1 से लेकर 24 भाग तक के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। उससे क्या होगा दोस्तों कि पूरा कोर्स हमारा एमसीक्यू बेस्ड है। अभी रिसेंट पे हम क्या कर रहे हैं कि सारे डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम्स में लगभग 1 से 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चूंकि हमारा कोर्स एमसीक्यू है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो 4 ऑप्शन मिलते हैं। जो सही वाला ऑप्शन होता है उसके बारे में हम आपको क्वेश्चन बताते ही बताते हैं। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी ऑप्शन पे बनते हैं, चूंकि 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन पर कोई ना कोई क्वेश्चन बने ही बनेगा, तो 4 ऑप्शन के बारे में भी आपको बताते हैं, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन हो उससे तो वो दूर हो जाए, या फिर वहां से अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप पूरी तरीके से उसको करने में योग्य रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना 25वां भाग जनरल साइंस कैप्सूल के इस नए लेसन का। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरे बारे में पर्सनल डिटेल है। मेरा नाम विमलेश यादव है। क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे कोर्स में खुद को एनरोल कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम इसका नेक्स्ट लेसन प्रेजेंट करें तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों कुछ कोर्सेज मैंने और प्रेजेंट रखे हैं, जैसे जनरल साइंस का हो गया, करंट अफेयर का हो गया, करंट अपॉइंटमेंट्स का हो गया, जनरल साइंस कैप्सूल्स का हो गया। अगर आप इनको भी देखते हैं तो ये भी काफी वैल्यूएबल है। इनमें भी बहुत अच्छे से जो लेसन है उनको कवर किया गया, जो टॉपिक्स है उनको बहुत अच्छे से कवर किया गया है, विथ डिटेलिंग, पूरी डिटेलिंग आपको दी गई है, ताकि अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर उनके आसपास से पूछा जाए तो आप उनको बता सकें। और पूरे कोर्स को दोस्तों रिव्यू करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रिव्यूज में आप अपने क्वेरी सजेशंस और अप्रिसिएशंस लिख सकते हैं। उसके अलावा रेट, अगर आपको लगता है कि मैं जो कोर्सेज बना रहा हूँ आपके लिए वैल्यूएबल है, तो आप बिल्कुल इसे रेट करिए 5, 4, 3, जो भी अगर आपको स्टार में डिजर्विंग लगता हो तो आप बिल्कुल मुझे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, हु डिस्कवर्ड क्लोनिंग टेक्निक। ये काफी इंपॉर्टेंट है और हमने आपको बोला भी था कि ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, विलियम हार्वे, कार्ल एंड स्टीनर, बैटिंग है और यान बिल्कुट है। तो जो सही ऑप्शन है आपको पता भी होगा, क्योंकि हमने इसमें क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है। तो हु डिस्कवर्ड द क्लोनिंग टेक्निक, तो जो सही ऑप्शन है वो है आपके यान बिल्कुट। यान बिल्कुट, ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्लोनिंग टेक्निक की खोज करी है। बाकी ऑप्शन के बारे में बात करें तो विलियम हार्वे बसते हैं आपके, कार्ल एंड स्टीनर बसते हैं, बैटिंग बसते हैं। तो जो सही ऑप्शन दोस्तों वो है यान बिल्कुट। और बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करें तो विलियम हार्वे ने किसकी खोज करी थी, तो इन्होंने खोज करी थी ब्लड सर्कुलेशन की। ध्यान रखिएगा, ब्लड सर्कुलेशन की खोज यानी रक्त परिवहन की खोज किसने करी थी, तो वो करी थी विलियम हार्वे ने। उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है यानी कार्ल एंड स्टीनर ने किसकी करी थी, तो कार्ल एंड स्टीनर ने करी थी ब्लड ग्रुप की। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपको। हमने आपको ये भी बताया था कि जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो कौन सा होता है, तो वो ओ होता है, और जो यूनिवर्सल रिसिप्टर होता है वो क्या होता है, तो ए बी होता है, यानी जो सबसे ले सकता है वही ब्लड ग्रुप जिसकी खोज करी है कार्ल एंड स्टीनर ने। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है, आपको पूछी जा सकती है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है आपका। और बैटिंग की बात करें दोस्तों, तो हमने आपको बताया है कि जैसे ही बैटिंग बेस्ड एक साथ आ जाते हैं तो उन्होंने खोज करी है इंसुलिन की, और बस बैटिंग आता है तो आपको डायबिटीज यानी मधुमेह, ठीक है, या फिर अगर आपको इंसुलिन दे के बैटिंग और बेस में से बैटिंग देता है तो आप बैटिंग के साथ जाएंगे, वो भी आपका सही ऑप्शन होगा। उसके अलावा यान बिल्कुट आपके इस क्वेश्चन के आंसर है, जिन्होंने खोज करी है क्लोनिंग टेक्निक की। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके क्लियर हो गए, इसका जो सही आंसर है वो आपका 4th। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हु डिस्कवर्ड द बीसीजी वैक्सीन, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बीसीजी वैक्सीन की खोज किसने करी, तो आपके ऑप्शन आपके पास 4 है, ठीक है, अल्बर्ट कामेट ने करी, रॉबर्ट कोच ने करी, एडवर्ड जेनर ने करी, या फिर पॉल मूलर ने करी। और चारों ही ऑप्शन के बारे में ने आपको बता ही रखा है, ठीक है, और ये चारों ही काफी इंपॉर्टेंट है। तो हु डिस्कवर्ड द बीसीजी वैक्सीन, तो वो है आपके, याद होना चाहिए आपको कि वो यूरिन अल्बर्ट कॉमेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूरिन अल्बर्ट कॉमेट आपके किसके हैं, तो उन्होंने बीसीजी वैक्सीन की खोज करी है। ठीक है, बीसीजी वैक्सीन दोस्तों जो टीबी के मरीज होते हैं उनकी रोकथाम के लिए, टीबी की रोकथाम के लिए, जो प्रिवेंशन के लिए हम बीसीजी वैक्सीन होती है उसका यूज करते हैं, और उसकी खोज किसने करी है, तो वो करी है आपके अल्बर्ट कॉमेट ने। ठीक है, उसके अलावा रॉबर्ट कोच की बारे में बात करें दोस्तों, तो रॉबर्ट कोच में भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इन्होंने खोज करी है हैजे के टीके की, जो हैजा का टीका होता है उसकी खोज किसने करी है, तो वो करी रॉबर्ट कोच ने। उसके अलावा जो टीबी के कीटाणु होते हैं उसकी भी खोज किसने करी है, तो वो भी रॉबर्ट कोच ने करी। तो 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए, एक तो आपका रॉबर्ट कोच से बन गया हैजे का टीका, और दूसरा क्या बन गया, तो टीबी के जो कीटाणु है उनकी खोज करी है रॉबर्ट कोच ने। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
उसके अलावा दोस्तों बात करें एडवर्ड जेनर की, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने खोज करी है चेचक के टीके की, ठीक है, जो ध्यान रखेगा जो चेचक का टीका होता है, जो चिकन पॉक्स का टीका होता है, उसकी खोज इसने करी है, तो वो करी है एडवर्ड जेनर ने। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट नाम है और इनके बारे में पूछा भी गया था आपको कि एडवर्ड जेनर ने आपके जो अभी ग्रुप डी और एएलपी के एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको पूछा था कि एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज करी है, तो उन्होंने खोज करी है चेचक के टीके की। उसके अलावा पॉल मुलर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट नाम है, इन पे भी हमने आपको क्वेश्चन बता रखा है कि इन्होंने खोज करी है डीडीटी की, डीडीटी की खोज किसने करी है, तो वो करी है पॉल मुलर ने। दोस्तों जो भी हम ऑप्शंस आपको बता रहे हैं, ये ऑप्शंस आपको भूलने नहीं है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके कंफर्म बनने ही बनने हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन था वो क्या था, हु डिस्कवर्ड बीसीजी वैक्सीन, तो वो थे आपके अल्बर्ट यूरिन अल्बर्ट कॉमेट, ठीक है। बाकी ऑप्शन के बारे में भी हमने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हु डिस्कवर डीडीटी, देखिए अभी आपको हमने आपको बताया कि डीडीटी की खोज किसने करी, तो ऑप्शंस आपके पास चार हैं, बैटिंग में बेस्ट हैं जेम्स वॉटसन और आर्थर गर्ग हैं, जेम्स वॉटसन और किर्क हैं और पॉल मुलर हैं। तो जो सही ऑप्शन दोस्तों वो है आपके क्या, पॉल मुलर। पॉल मुलर ने किसकी खोज करी है, तो इन्होंने करी है डीडीटी की, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पूछा जाता है डीडीटी की खोज किसने करी है, तो वो करी है डॉक्टर पॉल मुलर ने। उसके अलावा बाकी ऑप्शन के बारे में बात कर ले तो बैटिंग बेस्ट ने करी किसकी, इंसुलिन की। इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक हार्मोन होता है जिसकी कमी से डायबिटीज रोग होता है, यानी जो मधुमेह रोग होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। और डायबिटीज की खोज किसने करी, तो वो भी करी है बैटिंग ने, ठीक है। तो बैटिंग बेस ने आपकी इंसुलिन की खोज करी। उसके अलावा दूसरे ऑप्शन की बात करें तो जेम्स वॉटसन और आर्थर गर्ग, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो जेम्स वॉटसन और आर्थर गर्ग ने किसकी खोज करी, तो आर एन ए की, यानी जो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है उसकी खोज किसने करी, तो जेम्स वॉटसन तथा आर्थर अर्ग ने करी, ठीक है। आर्थर अर्ग और जेम्स वॉटसन ने खोज करी आपकी आर एन ए की। उसके अलावा जेम्स वॉटसन और किर्क की बात करें तो इन्होंने खोज करी है डीएनए की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जेम्स वॉटसन और किर्क ने किसकी खोज करी है, तो इन्होंने खोज करी है डीएनए की, यानी जो डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है उसकी खोज करी है जेम्स वॉटसन तथा किर्क ने। ये किर्क यहाँ पे कॉमा दे दीजिएगा, दोनों अलग अलग नाम है, जेम्स वॉटसन और किर्क दोनों अलग अलग नाम है, तो जेम्स वॉटसन आपके दोनों में ही कॉमन है। तो एक आरएनए आपको तुरंत, अगर आरएनए पूछा जेम्स वॉटसन दिख जाए तो आप उनके साथ जाएगा, और आपको डीएनए पूछे उनके वहां भी जेम्स वॉटसन देखे तो आप दोनों के साथ जाएगा, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा जो क्वेश्चन है वो डिस्कवर्ड डीडीटी, तो उन्होंने जो डीडीटी की खोज करी है तो वो करी है पॉल मुलर ने। तो यहाँ पे भी चारों ऑप्शन क्लियर हो गए आपके, और जो सही ऑप्शन है वो है आपका क्या, ऑप्शन फोर पॉल मुलर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ चिकन पॉक्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने आपको बताया कि चेचक के टीके की खोज किसने करी, तो चेचक के टीके की खोज किसने करी, तो वो करी है एडवर्ड जेनर ने। ध्यान रखिएगा चेचक के टीके की खोज किसने करी है, तो एडवर्ड जेनर ने करी है। उसके अलावा हमने रॉबर्ट कोच आपको बताया, उन्होंने किसकी करी, तो हैजे के टीके की खोज करी है। हमने आपको यूरिन कॉमेट बताया था, यूरिन अल्बर्ट कॉमेट, उन्होंने किसकी करी, तो जो बीसीजी का टीका है उसकी खोज करी है। उसके अलावा आपकी कौन बसते हैं, पॉल मुलर बसते हैं, तो उन्होंने किसकी खोज करी, तो उन्होंने करी डीडीटी की खोज। यानी चारों ही ऑप्शंस आपके क्लियर हो गए, और आपको सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो आपका चिकन पॉक्स यानी चेचक के टीके की खोज पूछा जाता है। तो ये सारे ही ऑप्शन दोस्तों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ चिकन पॉक्स, तो वो है आपके एडवर्ड जेनर। एल्बर्ट क्लाइमेट भी हमने आपके जो एल्बर्ट कॉमेट है वो भी हमने आपको क्लियर कर दिया। बीसीजी का टीका जो कि आपका जो जो टीवी होता है उसकी रोकथाम के लिए ये टीका लगाया जाता है। रॉबर्ट कोच ने हैजे के टीके के साथ साथ टीवी के कीटाणुओं की भी खोज करी, ये भी इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाता है। उसके अलावा एडवर्ड जेनर आपके चेचक के टीके, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, और पॉल मुलर आपके हो गए डीडीटी के, ठीक है। तो और जो थर्ड ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है। तो आज के लिए बस इतना दोस्तों, उम्मीद है ये जो सारे क्वेश्चन हमने आपको प्रेजेंट किए उससे रिलेटेड जो आपको फैक्ट्स हमने बताए हैं, जो एमसीक्यूज में जो आपके जो ऑप्शंस थे उन पे जो क्वेश्चन बताएं वो क्वेश्चन भी आपको याद रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट लेसन में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ, जिसमें आपको और अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। हो सकता है आपको डिस्कवरी या इन्वेंशंस हो, या फिर हो कुछ और क्वेश्चन हो जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम्स में जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपने पूरे कोर्स में खुद को एनरोल कर लिया होगा, ताकि जब भी हम इसका नेक्स्ट लेसन प्रेजेंट करें तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच